हेलो दोस्तों दोस्तों, मैं बीजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन लिया है, ठीक ना। 30 क्वेश्चन लिया है दोस्तों, मैंने 30 के 30 क्वेश्चन मिस्ड क्वेश्चन लिया है, ठीक ना। तो सभी चैप्टर से इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। कोशिश कीजिए दोस्तों कि आपका 25 क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक ना। 25 क्वेश्चन अगर आपका सही होता है तो आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन है 1933, 1925, 1919 के 1930। क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, पहले का आंसर क्या हो जाएगा? तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था, ठीक ना। आज मैं कोई स्टार नहीं बताऊंगा दोस्तों, ठीक ना। आज आपके लिए मिक्स्ड क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए कि आप सही आंसर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी का कारक है, सुनामी का क्या कारक है? वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, कि रेडियोधर्मी प्रदूषण की प्राकृतिक प्रक्रिया है? क्या हो जाएगा दूसरे का आंसर दोस्तों? तो दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेडियोधर्मी प्रदूषण है, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव निर्वाचन आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त, देख रहे हैं ना क्वेश्चन, क्वेश्चन मैंने जबरदस्त लिया है आज, ठीक ना। तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है टी एन शेषन, सुकुमार सेन, एस वाई कुरैसी, की के वी के सुंदरम। क्या हो जाएगा तीसरे का आंसर दोस्तों? तीसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुकुमार सेन दोस्तों भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य सत्य में किस धर्म के मूलभूत तत्व है, यानी आर्य सत्य में किस धर्म की बात कही गई है, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, कि जैन धर्म। क्या हो जाएगा चौथे का आंसर दोस्तों? चौथे का आंसर हो जाएगा बौद्धिक धर्म। बौद्धिक धर्म की बात कही गई है आर्य सत्य में, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाँचवा नंबर कि अंडमान की प्राचीन जनजाति किस उत्पत्ति की थी? अंडमान की प्राचीन जो जनजाति थी किस उत्पत्ति की थी? काकासाइड की, कि मंगोलाइड की, कि आस्ट्रेलाइड की, कि निग्रेटू की? क्या हो जाएगा दोस्तों पाँचवें का आंसर? पाँचवें का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मंगोलाइड की थी, ठीक ना। महत्वपूर्ण है क्वेश्चन दोस्तों, मैंने सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिए हैं। वो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों और अपने दोस्तों तक शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आप कर रहे हैं दोस्तों एकदम, आप इसी तरह प्यार देते रहिए। छवा नंबर है कि किस वर्ष में विश्व भारती एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बना? जो विश्व भारती है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना, ठीक ना। 1948 में, 1950 में, 1951 में, कि 1953 में? क्या हो जाएगा छवे का आंसर दोस्तों? छवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1951 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां नंबर दोस्तों, कादम्बरी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए कादम्बरी पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, ठीक ना। कौन है? वाड़ भट्ट, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, की कबीर दास? क्या हो जाएगा सातवें का आंसर? आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका कादम्बरी हो जाएगा, ठीक ना। कादम्बरी यानी कादम्बरी की पुस्तक वाड़ भट्ट हो जाएगा, ठीक ना। वाड़ भट्ट ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद का पुस्तक का मालूम होगा आपको, कामायनी मेन पुस्तक है। प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद का गोदान है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, साखी सबद रमैनी ये कबीरदास का है। आठ नंबर देखते हैं कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी किस देश की थी? भारत की थी, कि श्रीलंका की थी, कि पाकिस्तान की थी, कि नेपाल की थी? क्या हो जाएगा आठवें का आंसर दोस्तों? तो आठवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्रीलंका की थी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नौ नंबर, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? आज आपका मिस क्वेश्चन है, स्पीड टेस्ट भी है, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा बता नहीं रहा हूँ, ठीक ना। ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, की हॉकी? क्या हो जाएगा नौवें का आंसर दोस्तों? तो नौवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा, लॉन टेनिस, ठीक ना। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। दस नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दस नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार? 1.21 अरब, की 1.31 अरब, की 1.51 अरब, की 1.10 अरब? देख रहे हैं ना, ऑप्शन ऑप्शन करीब करीब है। क्या हो जाएगा? दसवें का आंसर हो जाएगा 1.21 अरब, ठीक ना। ग्यारह नंबर देखते हैं, ग्यारह नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विषाणु के कारण होने वाले रोग कौन से है? यानी विषाणु के कारण कौन सा रोग होता है? हैजा होता है, कि मलेरिया होता है, कि तपेदिक होता है, कि पोलियो होता है? क्या हो जाएगा ग्यारह का आंसर दोस्तों?
11 का आंसर हो जाएगा पोलियो। ठीक ना, पोलियो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण। तो 11 का डी सही हो जाएगा। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर, नालंदा किस शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? महत्वपूर्ण है कि किस शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ऑप्शन है दोस्तों, बौद्ध शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, कि ब्रिटिश शिक्षा, कि वैदिक शिक्षा। क्या हो जाएगा 12 का आंसर दोस्तों? तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। 13 नंबर देखते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने की शक्ति देता है, यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है? अनुच्छेद 370 के, अनुच्छेद 352 के, 350 के, 340। क्या हो जाएगा 13 का आंसर? होता है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 352। 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है। 14 नंबर देखते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान भारत के किस आयु समूह से संबंधित है, यानी किस आयु से समूह से संबंधित है सर्व शिक्षा अभियान? 6 से 14 वर्ष की, 6 से 16 वर्ष की, 4 से 12 वर्ष की, 4 से 16 वर्ष। क्या हो जाएगा 14 का आंसर? 14 का आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक ना, अगला देखते हैं 15 नंबर, ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, ऑप्शन है कि प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से, कि विशिष्ट शिक्षा से। क्या हो जाएगा 15 का आंसर? होता 15 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, याद रखिएगा महत्वपूर्ण है। 16 नंबर देखते हैं कि सत्व में जयते लिया गया, ये तो आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है लेकिन आसान क्वेश्चन है। सत्व में जयते लिया गया कहाँ से? रामायण से, कि महाभारत से, कि कठोपनिषद से, कि मुंडूक उपनिषद से। क्या हो जाएगा 16 का आंसर? तो 16 का आंसर हो जाएगा मुंडूक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 17 नंबर दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा यंत्र प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में बदलता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में कौन बदलता है? ऑप्शन है दोस्तों, ट्रांसफार्मर, डायनोमो, डिस्टकारी की जनरेटर। क्या हो जाएगा 17 का आंसर? होता 17 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डिस्टकारी। डिस्टकारी दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा को डिश धारा में बदलता है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, ये भारत के प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम क्या था? भारत का प्रथम जो न्यूक्लियर रिएक्टर था उसका नाम क्या था? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास कि उर्वशी, रोहिणी, कामिनी की अप्सरा। क्या हो जाएगा 18 का आंसर दोस्तों? 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रोहिणी था। ठीक ना, ऑप्शन नंबर डी, डी अप्सरा था। ठीक ना, डी 18 का डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 19, संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए? ऑप्शन है दोस्तों, अमेरिका, सोवियत संघ के, फ्रांस की, कनाडा। क्या हो जाएगा 19 का आंसर दोस्तों? तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक ना, पूर्व सोवियत संघ, या अगर रूस दे ऑप्शन में तो रूस भी हो जाएगा। ठीक ना, इसी का पूर्व नाम है। अगला देते हैं, चालुक्य की राजधानी थी क्या थी? पुष्कलावती थी, कि एलोरा थी, कि नागार्जुन कोंडा थी, कि वातापी थी। क्या हो जाएगा 20 का आंसर? तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तो वातापी थी। अगला देखते हैं 21 नंबर, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है, यानी कौन सक्षम है, कौन भंग कर सकता है संसद को? राष्ट्रपति, विपक्ष के नेता की सहमति से, मंत्रिमंडल, संसद के दोनों सदनों में संकल्प द्वारा, कि इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 21 का आंसर दोस्तों? तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक ना, संसद को भंग करने का सक्षम इसके पास किसी के पास भी नहीं है। अगला देखते हैं 21-22 देखते हैं कि फॉलो वन शब्द किस खेल से संबंधित है? फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा 22 का आंसर? क्या हो जाएगा? तो 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फॉलो वन शब्द किससे संबंधित है? किसी से भी संबंधित नहीं है। अगला देखते हैं दोस्तों, क्रिकेट से संबंधित है ये फॉलो वन शब्द, क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन में क्रिकेट नहीं दिया है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर, 23 नंबर है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। देखिए विज्ञान का क्वेश्चन आ गया, कैसा दिखाई देता है? सफ़ेद, गहरा नीला, हल्का नीला, कि काला। क्या हो जाएगा 23 का आंसर? 23 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
डी सही हो जाएगा, काला दिखाई देता है। ठीक ना, अगला देखते हैं दोस्तों 24 नंबर, कि उत्तर रामचरित्र नाटक किसने लिखा था। उत्तर रामचरित मानस नाटक किसने लिखा था, हर्ष ने, तुलसीदास ने, भवभूति ने, कि शूद्रक ने। क्या हो जाएगा 24 का आंसर दोस्तों, तो 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भवभूति ने लिखा था। 25 देखते हैं, बस 5 क्वेश्चन रह गए। क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है, महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है दोस्तों पेरिस में, वाशिंगटन में, कि जिनेवा में, कि रोम में। क्या हो जाएगा 25 का आंसर दोस्तों, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिनेवा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर, भारत में कौन सा प्रदेश सबसे अधिक प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। महत्वपूर्ण है कि कौन सा प्रदेश है जो अधिक प्रदेशों की सीमाओं को स्पर्श करता है। हरियाणा है कि मध्य प्रदेश है, कि उत्तर प्रदेश है, कि महाराष्ट्र है। क्या हो जाएगा 26 का आंसर, 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक ना, सी सही हो जाएगा। अगला देते हैं 27 नंबर, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ रहा है कौन है। थायराइड है, पिट्यूटरी है, जिगर है, कि अग्नाशय है। क्या हो जाएगा 27 का आंसर, 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिगर है। ठीक है, जिगर मतलब लीवर, यकृत भी इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, यकृत कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंजलि, अंजलि भागवत किस खेल क्षेत्र में परंपरागत है, यानी किस क्षेत्र से संबंधित है अंजलि भागवत। टेनिस से, शतरंज से, तैराकी से, कि राइफल शूटिंग से। 28 का क्या हो जाएगा आंसर, 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राइफल शूटिंग से संबंधित है। अगला देते हैं 29 नंबर, कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। महत्वपूर्ण है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, मोरारजी देसाई, सरदार पटेल, देवीलाल चरण सिंह। क्या हो जाएगा 29 का आंसर दोस्तों, तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सरदार पटेल। सरदार पटेल दोस्तों प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। 30 देखते हैं, 1931 में महात्मा गांधी ने निम्न में से किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किया, किसके साथ संधि पर हस्ताक्षर किया था 1931 में। ऑप्शन दोस्तों लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डार्विन, लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा 30 का आंसर दोस्तों, तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लॉर्ड डार्विन। ठीक है, लॉर्ड डार्विन। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। ठीक ना, अपना कमेंट बॉक्स में इसको और भी जरूर बताइएगा दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।